दोस्तों, कोरोना के कर्मवीरों की तरह केरल के गिरीश भी सुबह होते ही लोगों की मदद करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। अलप्पुझा में रहने वाले गिरीश घर से खाना और पानी लेकर निकलते हैं और शहर में पुलिस के जवानों तक पहुंचाते हैं। वो लॉकडाउन के पहले दिन से ही ऐसा कर रहे हैं। गिरीश पेड़ों से नारियल तोड़ने का काम करते हैं। गिरीश को एक बार नारियल के पेड़ पर चढ़ने के 100 रुपए मिलते हैं। वो कहते हैं, कोरोना महामारी के समय पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और मैं अपनी। मेरे पास बहुत पैसा नहीं कि मैं उनके लिए अधिक खाना उपलब्ध करा सकूं, लेकिन मैं अपनी कमाई से केले और सोडे की बोतल उन तक पहुंचाता हूं। कोल्हापुर के सब इंस्पेक्टर टॉल्सन जोसेफ कहते हैं कि रोजाना गिरीश दोपहिया वाहन पर घर से निकलते हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को खाना और पानी पहुंचाते हैं। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा तो पता चला कि ये रोजाना ऐसा कर रहे हैं। जोसेफ कहते हैं, अगर पुलिस ये सामान लेने से मना करती है तो गिरीश पीछे रखकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस बुजुर्ग बाबा का काम बेहद सराहनीय है। इस गर्मी में कोरोना की दहशत के बीच पुलिस की इस तरह मदद करने का जज्बा काबिले तारीफ है। इस कोरोना योद्धा के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।